और अगर पिछले साल पूरा देखा जाए कि पहले 9 मई में वो अरेस्ट हुए, उससे पहले जेल भरों में, उसके बाद साइफर केस में, तो अगर आप इन सारे जितनी दफ़ा वो अरेस्ट उनका देखें, कितने दिन हो, एक साल उन्होंने जेल में गुजारा है और सब ना हक, तो इसका अजाला कौन करेगा? कौन हमें ये दिन वापस देगा और ये टाइम उन्हें वापस देगा? अब पूरे हो चुके हैं, पूरे दुनिया में माशाल्लाह मेरे वालिद अभी भी जवान नहीं है, मगर बिल्कुल बूढ़े नहीं है, बूढ़े का लफ्ज़ उनके लिए कभी नौजवानों से ज़्यादा फिट है। हाँ, नौजवानों से ज़्यादा फिट है और ज़्यादा एनर्जी है उनमें और ज़्यादा काम करते हैं। मुलाकात हुई है जेल के अंदर जी मंडे को? अच्छा, अभी तक बाल सफेद हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप मुलाकात जब आपकी हुई तो जिस्मानी तौर पे वो कैसे थे? बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, जिस्मानी तौर पे, दिमागी तौर पे, इमोशनली भी बिल्कुल ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे ख्याल में वो जेल में जाके ना ज़्यादा उनका, क्योंकि वो कहते हैं अब मुझे टाइम मिला, मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ 2-3 दफ़ा पढ़ा है, मेरी नमाज जो है वो कायम हो गई है, पहले वक्त नहीं मिलता था, मसरूफियात होती थी, तो उससे उनका जो रूह है वो तवाना हो गई। तो मेरे ख्याल में जब आप वो बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो और भी मजबूत और ताकतवर नजर आएंगे। इसीलिए यहाँ भेजा ताकि ये सब मैं कर सकूं। मैम ये बताएं कि ये जो रूह है आपने कहा है मजबूत हो गया है, उनकी कितनी मजबूत आप लोगों ने और करवानी है? अल्लाह की मर्जी। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा ये बता, मुझे मतलब दरवाजे के आगे खड़े आखिरी सवाल करूंगा ये बता दीजिएगा कि क्योंकि जब आखिरी दफ़ा शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त वो बड़े हमें जो है वो परेशान दिखाई दिए, तो अभी लाइफ का कोई इस तरह का कोई कहाँ परेशान थे? परेशान तो नहीं थे, उनको एक मतलब एम्बुश किया था ना जिस तरह वो पहुँच गए थे, और जो जेल के बाहर जो अरेस्ट किया था, देखिए वो सब परेशान नहीं थे उस वक्त, उनको इस बात का दुख ज़रूर था कि उनका एक हक बनता था कि जब तक वो जेल की हदूद के अंदर खड़े हैं उन्हें रीअरेस्ट नहीं किया जा सकता और अपनी बात मुकम्मल करें। एक बंदा महीनों से जेल में है, वो किसी से बात नहीं कर सका, उसको एक मौका मिला है, उसका हक बनता था कि वो अपने जो जज्बात हैं उनका इजहार करें, और उनको जिस तरह धक्के दिए गए और जिस तरह उनके साथ एक हतकमेज सलूक किया गया, उससे तो हम सब को हैरत, हम सब शॉक पे थे। तो वो परेशान नहीं थे, उन्हें अफसोस इस बात का था क्योंकि उन्होंने कभी, देखिए कभी उन्होंने रोका नहीं, जब पहली दफ़ा भी उनको अरेस्ट करने आए थे वो अपने पुलिस अफसर का हाथ मिला के उनसे उनके साथ बैठ गए थे, तो उनको सिर्फ ये था कि मुझे मेरा हक दे, मुझे बात करने दे। और फिर आपने कितने भी बोगस केसेस में गिरफ्तारी डालनी है, आप बेशक डालें, मैं आपके साथ चलूँगा। तो ये बात, बहुत शुक्रिया।